मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। विधायक और प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने हेलीकॉप्टर भेजा है, जिससे दो बार में होगा एरियल सर्वे। पहली बार सुमावली दिमनी अम्बाह विधायक के साथ आयुक्त आईजी कलेक्टर रेस्क्यू के लिए सेना और एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें आ रही हैं। अभी भी दर्जनों गाँव में फंसे हैं लोग, जिसमें अम्बाह महुआ निवासी सूरज सकबार पुत्र भगवान सिंह सकबार उम्र 26 वर्ष की ग्राम से 1 किलोमीटर की दूरी पर चंबल का पानी भर जाने से वह अपनी भैंस लेकर निकला और पानी के भंवर में फंस गया। उसे ग्रामीणों ने निकाला और सिविल हॉस्पिटल अम्बाह लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूरज के 4 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। अम्बाह विधायक कमलेश जाटव ने तुरंत अम्बाह हॉस्पिटल पहुंचकर मृतक के परिजनों को सहायता राशि 10,000 रुपये नकद दिए हैं। जोरा से अंकुश मंगल की रिपोर्ट। यहाँ पे हम अम्बा पोरसा और चंबल किनारे के सारे गांव और मुरैना के प्रभावित क्षेत्र को देखेंगे। सेकेंड राउंड में हम डिटेल में सुमावली मुरैना जौरा और जो है सबलगढ़ के एरिया का दौरा करेंगे। इससे हमें क्लियरली पता चल पाएगा कि कितना अफेक्टेड एरिया है, उस हिसाब से हम अपने स्ट्रैटेजी को प्लान कर पाएंगे और अन्य डिसीजन जो लेने हैं वो हम ले पाएंगे। अभी कितने गांव डूब में है, क्या स्थिति है, कल रेस्क्यू किया गया था? हाँ, 22 गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन कल चलाया गया है और 110 गांवों में हाई अलर्ट चल रहा है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कोटा बराज से छोड़ा गया है और अब तक के इतिहास में इतना सारा पानी पहली बार ही छोड़ा गया है और स्थिति से हम लोग निपट रहे हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ आर्मी की टीम्स हैं जो सतत संपर्क में हैं और लोगों को हम सुरक्षित निकाल भी रहे हैं और सुरक्षित एरिया तक। रेस्क्यू दल बढ़ाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, रेस्क्यू दल बढ़ाए गए हैं, एडिशनल री एनफोर्समेंट्स बुलाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम आज आ रही है जो संभवतः 1 बजे तक हमारे पास पहुंच जाएंगी। एसडीआरएफ के संसाधन को भी हम लोग ने बढ़ाया है, अतिरिक्त बोट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे गांव जल स्तर का कुछ पता है? कुछ ऐसे जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है हमारे यहाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि राजस्थान में अभी ये स्टेबलाइज होना शुरू हो गया है। 144.40 मीटर था सुबह 6 बजे से और लगातार अभी 9 बजे तक उसी मीटर में। कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ प्रशासन अभी तक नहीं पहुँचा? नहीं, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पे प्रशासन नहीं पहुँचा है। पानी से कट जरूर गए हैं, हम सतत संपर्क में हैं, पानी दवाइयाँ वगैरह हम पहुँचा रहे हैं और जो गांव कट गए हैं वो ऊंचाई में है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पे जो है लोग डूब गए हैं और हम नहीं पहुंच पाए। कुछ ऐसे गांव भी चिन्हित किए गए हैं जहां से लोग नहीं निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं, वो अभी मैं पहले पुनः बताया कि वो सुरक्षित एरिया पे है, जरूरत पड़ेगा तो उनको निकालेंगे। अनावश्यक पैनिक फैला के भी कोई उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया है सुबह 6 बजे से पानी स्टेबलाइज होना शुरू हो गया है, जो मुरैना के लिए अच्छी बात है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 17 सितंबर मंगलवार को SIDC संभव और आयसर ग्रुप फाउंडेशन ने स्वच्छता प्रोत्साहन रैली निकाली गई। स्वच्छता प्रोत्साहन रैली के जरिए पीथमपुर पटेल मोहल्ला से होते हुए बाड़ीखाली लोधी मोहल्ला और शहर की कई कॉलोनियों में जाकर स्वच्छता का संदेश दिया। रैली में नन्हे मुन्ने बच्चे नारे लगाते हुए स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आयसर ग्रुप ऑफ फाउंडेशन और संभव समाज सेवी संस्था द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है पीथमपुर की 7 बस्तियों में। कौन कौन सी बस्ती है? ये लोधी मोहल्ला, हरजन मोहल्ला, पटेल मोहल्ला, बाड़ी खाली, छोटी मोहल्ला, छोटी मोहल्ला और दा बंगला। तो कहाँ कहाँ आपका ये संस्था? सैनिटेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ और वीमेन एम्पावरमेंट के उसके लिए यहाँ बस्ती में स्वच्छता का संदेश देने के लिए रैली निकाली जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावत खरगोन रोड पर ग्राम जावदा में एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल चालक स्वयं ही मोटरसाइकिल से गिर गया था।
किसी वाहन ने उसे टक्कर नहीं मारी थी, मोटरसाइकिल चालक घायल अवस्था में रोड के किनारे पड़ा था। जहां पर ग्रामवासी इकट्ठे हो गए, उसी दौरान उधर से गुजर रहे कसरावर नायब तहसीलदार केसिया सिंह सोलंकी ने जब भीड़ देखी तो उन्होंने भी अपना वाहन साइड में लगाकर जानकारी ली। तत्काल 100 डायल 108 पर फोन लगाया, लेकिन उसी समय खरगोन से जनपद पंचायत कसरावत के रोजगार सहायक संघ अध्यक्ष मनोज पाटीदार, अखिलेश मालवीय, नटवर लाल यादव अपने अन्य साथियों के साथ खरगोन किसी कार्यक्रम से आ रहे थे। उन्होंने जब देखा घायल पड़ा है और नायब तहसीलदार साहब की गाड़ी खड़ी है, वहीं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया तथा घायल को नायब तहसीलदार की गाड़ी से ले जाने की जिद करने लगे। साथ ही उन्होंने घायल को नायब तहसीलदार की गाड़ी में डाल दिया। उसी दौरान कसरावत से एम्बुलेंस आ गई, जिसमें घायल को नायब तहसीलदार की गाड़ी से निकालकर एम्बुलेंस में डाल दिया गया। इस घटना से रोजगार सहायक काफ़ी नाराज दिखे। वहीं नायब तहसीलदार श्री केसिया सोलंकी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना को देखकर मैं स्वयं वहां रुका था तथा मैंने तत्काल 108 पर सूचना दी। एम्बुलेंस को आने में 10 मिनट का समय लगा, लेकिन इसी दौरान रोजगार सहायक हंगामा करने लगे। जो कि बाद में आए थे, उन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी और शायद शराब पिए हुए थे। उन्होंने घायल को उठाकर मेरी गाड़ी में डाल दिया, किसी की कुछ नहीं सुन रहे थे, बस हंगामा कर रहे थे। जब एम्बुलेंस आ गई तो भी वह मेरी ही गाड़ी से घायल को ले जाने की जिद कर रहे थे। वहीं रोजगार सहायक का कहना है कि नायब तहसीलदार द्वारा घायल को अपनी गाड़ी से ले जाना चाहिए था मानवता के नाते, लेकिन वह देर कर रहे थे, इसीलिए हमने घायल को उठाकर उनकी गाड़ी में डाल दिया। इस दौरान घायल के बारे में कसरावत अस्पताल से जानकारी दी गई। घायल का नाम निहाल सिंह डावर, पिता रकम सिंह डावर, उम्र 26 वर्ष, निवासी साई खेड़ा बताया गया। घायल को खरगोन रेफर कर दिया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। तहसीलदार महोदय, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, अनजान व्यक्ति का, उसके बाद भी तहसीलदार महोदय ने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी और उसके बाद भी उसको ले जाने को तैयार नहीं थे। उसके बाद सब लोग गांव के लोगों ने विनती करी, ग्राम जावदा के लोगों ने, उसके बाद भी वो ले जाने को तैयार नहीं हुए। यार मैं खेरी गया था, वहाँ पे कोई मर्डर का केस था, तो एसडीएम मैडम ने मुझे वहाँ भेजा था कि भाई मेरे समक्ष में उसका पंचनामा बनाया जाए। उसको लाश को निकाल के मैंने मेनगांव थाने वालों को भेज दिया कि भाई इसका पीएम बनाओ। इसके बाद वापस आ रहा था तो जावदा के पास में भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने साइड में गाड़ी रोकी और वहाँ पूछताछ की मैंने, भाई ये क्या हो गया? तो बोले यार ये बोले गाड़ी स्वयं चला रहा था और स्वयं गिर गया, कहीं दारू मारू पिया हुआ हो सकता है। उसके बाद मैंने गाड़ी साइड में रोकी, उसके बाद मैंने कहा यार मैं 100 वालों को डायल कर रहा हूँ, 10-15 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने जो 3 GRS थे, एक और दूसरा था, एक तो विठेर का था, एक गोपालपुरा का था, उन्हें सहायता का था, इन्होंने दारू पी हुई थी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि यार 10 मिनट में आ जाएगी एम्बुलेंस, उस बार फिर लेंगे, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में जगह भी रहती है। उन्होंने क्या कर उसे मेरी गाड़ी में जबरदस्ती रख दी, उन्होंने उसको खींचते टांग मांग करके उल्टे सुलटे टांग करके मेरी गाड़ी में रख दिया उन्होंने। उसके बाद एम्बुलेंस आ गई तत्काल, मैंने कहा यार यहाँ जगह नहीं है। उसकी एम्बुलेंस आ गई, उसमें पर्याप्त मात्रा में जगह, उसमें रख दो आप। नहीं नहीं बोले इसमें नहीं रखेंगे, बोले तुम्हारी गाड़ी में रखेंगे, अगर नील ले जाओगे तो बोले वहां लगा देंगे। इसके बाद बड़ी मुश्किल से वहां से हम निकाल के एम्बुलेंस में रखा। वहां के जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वही बोले यार मेरी गाड़ी में रखो तुम, मैंने लेने के लाया हूँ, उसको मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। उसके बाद उन्होंने गाड़ी जलाने की धमकी दी, बोले तोड़फोड़ करो बोले गाड़ी को, और अब चलता व्यवहार किया। सर चूंकि ये भी सारे सरकारी कर्मचारी थे, फिर उन्होंने ऐसी हरकत की? पिए हुए थे तो शराब पिए हुए थे, बदबू आ रही थी उनकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कसरावत कृषि उपज मंडी में एक अज्ञात शिशु को जीवित अवस्था में कोई कृषि मंडी के टोल कांटे के पास फेंक गया। मानवता को शर्मसार करने वाले व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। अज्ञात शिशु की सूचना अनिश खान पत्रकार को मिली। अनिश खान मौके पर पहुंचे और वहां पर एक बालक को देखा, सांसें चल रही थी।
उन्होंने तत्काल कसरावत थाने पर जिसकी सूचना दी और वार्ड की महिलाएं एवं अनिश खान कसरावत ने बच्चे को शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद प्रथम उपचार के लिए खरगोन रेफर किया गया, जहां डॉक्टर राकेश पाटीदार का कहना है कि बच्चे की डिलीवरी घर पर ही हुई है, नाड़े के ऊपर का धागा बंधा हुआ है और बच्चे को जन्म देने के बाद फेंका गया, बच्चा लगभग 2 घंटे पूर्व जन्मा था। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। अभी करीब 1 घंटा पहले मंडी परिसर में टोल काटे के पास नवजात बच्चा एक कोई फेंक गया था बता रहे हैं वहाँ की महिलाएं। तो मेरे को जैसी खबर लगी, मैं भी कसरावत में पत्रकारिता करता हूँ, तो मैंने सबसे पहले बच्चे को देखा कि यार बच्चा थोड़ा जीवित है तो इसको तत्काल हॉस्पिटल कसरावत के लेके जाए। मैंने सबसे पहले सूचना दी थाने से, फिर हॉस्पिटल में लाए और महिलाएं वार्ड की 2 महिलाएं भी साथ में थी बेचारी, वो भी लेके आई हमारे साथ और बच्चा अभी स्वस्थ बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसका इलाज और आगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं खरगोन भेजने का है रेफर। क्योंकि बच्चा का वजन करीब 1 किलो 200 ग्राम है और उसकी जो गर्भ की उम्र लगभग 7 से 8 माह के आसपास लग रही है, अतः उसका वजन कम होने की वजह से हमें उसे जिला चिकित्सालय एसएमसी रेफर करना पड़ेगा। सर डिलीवरी कब तक की होगी, कितने घंटे का बच्चा होगा? डिलीवरी करीब करीब मान के चलो 2 घंटे से लगा के आसपास, 2 घंटे के भीतर की होगी, क्योंकि बच्चे का शरीर गर्म है, हाथ पैर ठंडे लग रहे हैं और बच्चे की सांस वगैरह भी व्यवस्थित चल रही है और बच्चे के नाड़े पर धागा बंधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं घर में डिलीवरी होने की संभावना है, जिसको कि बाहर गैस जगह पर फेंक दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पिछले 2 सप्ताह से क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं किसानों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। क्षेत्र के कई गांवों में सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है और किसान सरकार की तरफ नम आंखों से देख रहा है। किसानों का कहना है कि उनके इस नुकसान की भरपाई सरकार करे, इसी बात को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी ने आज बेटमा क्षेत्र के ग्राम मेठवाड़ा, झलारा, मोथला, पिपलिया गांव में अतिवृष्टि से नष्ट हुई सोयाबीन की फसल का जायजा लिया और किसान भाइयों से चर्चा कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा हर स्तर पर उनकी लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। सांसद के साथ क्षेत्र के कई स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। विदित हो रहा है कि विगत दिवस सांसद लालवानी जी ने इंदौर में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर पूरे मालवा क्षेत्र में किसानों को तत्काल राहत देने की पुरजोर मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा मिलता है या नहीं। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नेपालपुर क्षेत्र में बैठवारा और झालारा मोथला के किसानों के साथ नेपालपुर क्षेत्र के जो अतिवर्षा के कारण सोयाबीन की फसल खराब हुई है, किसानों के बीच में आने का मौका मिला और वाकई में जो फसल देखी वो फसल में मैंने एक प्रकार से लगभग सभी 90% फसल खराब होकर नष्ट हो गई और ये किसानों की मांग थी। आज आके देखा भी, हम सरकार से मांग करेंगे, मैंने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी से बात की है कि इसमें उनको मुआवजा दिया जाए और जो बीमा इन्होंने कराया बीमे की भी राशि दी जाए, बीमा की राशि। तो हम शीघ्र जाएंगे, दल आके मुआयना करें और निर्णय लें, अगर नहीं करेंगे तो हम फिर जनता के साथ किसानों के साथ सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हर साल की तरह इस साल भी बेटमा नगर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई गई, जिसमें स्थानीय सागो रोड स्थित बालाजी मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः वहीं समाप्त हुई, जहां भगवान विश्वकर्मा की आरती सभी श्रमिकों द्वारा की गई। यात्रा में बैंड बाजों के साथ युवा झूमते नाचते चल रहे थे। वहीं यात्रा में शामिल घोड़ी का नृत्य व झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही।
लगातार 16 वर्षों से हो रहे कारीगरों की इस शोभा यात्रा का पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल मित्र मंडल के साथ ही कई मंचों से स्वागत किया गया। विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पी भी माना जाता है। उनके जन्मदिन पर मशीनों और औजारों की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है। उनके जन्म दिवस को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। विश्वकर्मा को देव शिल्पी यानी कि देवताओं के वास्तुकार के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने देवताओं के लिए महलों, हथियारों और भवनों का निर्माण किया था। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ज्यादातर कारीगर छुट्टी मानते हैं और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान औजारों, मशीनों और दुकानों की पूजा करने का विधान है। अपनी शिल्प कला के लिए मशहूर भगवान विश्वकर्मा सभी देवताओं में आदरणीय हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के सातवें धर्मपुत्र हैं। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के बड़वाह मोरटक का ओमकारेश्वर के पास वाली नहर के अंदर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला मानदाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताया जा रहा है। युवक राहुल पिता भवानी राम उम्र 26 वर्ष दशहरा मैदान बड़वा का निवासी बताया जा रहा है। इस युवक की हत्या के कारणों की मानधाता पुलिस जांच में जुटी हुई है। युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर खून के निशान और एक चाकू मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। मोटक्का चौकी के एक्वाडक्ट पुल की घटना है। मौके पर मानधाता TI जगदीश पाटीदार, मोटक्का चौकी प्रभारी शुभम व्यास सहित मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़वाह से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। आज की घटना ये है कि देवेश ठाकुर नामक व्यक्ति ने बड़वाह वाले ने रिपोर्ट दिया कि मैं रोजाना घूमने आता हूँ। आज घूमने आया था तो एक्वाडक्ट पुल है, नहर कम पुल, उसके अंदर एक बाड़ी पड़ी हुई है जिसको शरीर पर चोटें हैं, खून गिरा हुआ है। मौके पर जाकर देखा, आसपास के लोगों को बुलाया, उनसे पूछताछ की तो पता चला कि ये बाड़ी राहुल उर्फ दबलू पिता भवानी राम गुजर 28 साल निवासी दशहरा मैदान बड़वा की है। उसके शरीर पर गले में चोटें हैं। उसको किसी अज्ञात व्यक्तियों ने द्वारा हत्या करके लाश छुपाने की नीयत से, अपराध छुपाने की नीयत से हमारे क्षेत्र में फेंका गया है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब आगे जैसा भी ज्ञात होगा इन्वेस्टिगेशन करके आरोपियों की तलाश जारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के नागदा की गवर्नमेंट कॉलोनी में रहने वाली मंजू बाई की इन दिनों बड़ी ही दयनीय स्थिति है। पति की मौत के बाद बेटे की भी मौत हो गई। नगर पालिका की 500 की पेंशन से घर चलाने में मुश्किल होने लगी, जिससे मोहन फाउंडेशन द्वारा उसे एक फूल माला का टब दिया गया, जिससे मंजू बाई अपना गुजर बसर कर रही है। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक फूल माला बेचकर अपना और अपने पोतों का पेट पाल रही। उसके बाद भी उसे सुख से कमाने नहीं दिया जाता। बार बार उठने के लिए बोलकर परेशान किया जाता है। और इस समय आलम यह है, एक तो इतनी बारिश, ऊपर से उसका कोई ठिया नहीं। बेचारी बूढ़ी माँ जाए तो कहाँ जाए, प्रशासन से मदद की गुहार है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। लगता रहे सर, अब क्या करें। तो कैसे बैठ पाते हो आप इसमें? बैठे हैं, मजबूरी है सर। हमारे कमाने वाला कोई है नहीं ना बेटा। आपके घर में कमाने वाला कोई नहीं है सर? हमारे ये दो पोते हैं छोटे छोटे और विधवा, 40 साल हुई है। मेरे को एक बेटा था, वो 6 साल से गुजरा हुआ है, कोई नहीं हुआ। तो मतलब आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं? आप ये माला बेच के ये सब कुछ थोड़ा बहुत निकल जाता है खर्चा, तो चला लेते घर किराया। तो मतलब फिर भी आपको इतना कीचड़ हो रहा है, इतना वो हो रहा है, आप कैसे बैठते हो पाते हो यहाँ पे? मजबूरी है तो बैठना पड़ेगा, बैठना नहीं देते, ठेला नहीं लगाने दे। ये भी कौन नहीं लगाने देता?
ये नगर पालिका वाले नहीं, ये बोलते हैं ठेला वाले सब बोले हमारे अड़चन पड़ती है, इधर पड़ते ठेला लगाने तो फिर वो एक मतलब वो ठेला वाले आपको परेशान करते हैं। बारदाना वाला एक भैया है राठी जी, उन्होंने ये बना के दी मेरे को, बोले ये बना के दे देता हूँ तो तुम इनसे तुम्हारा गुजारा करना और इससे बैठ के आपको खाना। ठीक है, आप कहाँ रहते हो? मैं यहाँ ये कॉलोनी में, कालू पार्षद के इसी लाइन में थोड़ा सा आगे क्लब के पास वाली लाइन में वहाँ रहते हो। तो नगर पालिका की तरफ से कोई सहयोग मिलता है आपको? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिलता। विधवा पेंशन मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। किराए से रहती हूँ सर। आप मकान भी किराए से रहते हो जी? ये कैसे गुजर भत्ता करते हो आप इतना? क्या करे, ऊपर वाला करता है, आप लोगों की दुआ से बैठते हैं। दाड़की पोटला तोपने जाती है सब्जी मंडी में, वहाँ से एक आधी पोटली ले आती फूल की, अपने आके बैठ जाती है 5 बजे। कितना कमा लेते होगे इससे? 100-150 रुपए हो जाते हैं, अभी तो कुछ हो नहीं रहा। कल तो 30-35 रुपए का माला बेची कल। ये भाई को अपन 2-3 साल से देते हैं। 2-3 साल से ये इसी तरह से बैठती है कीचड़ में? मतलब कोई मदद नहीं करता? कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन में आज विश्वकर्मा समाज द्वारा अपने आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। सुसज्जित बग्गी में रखी विश्वकर्मा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। समाज जन भगवान विश्वकर्मा के जय कार्य लगाते नजर आए। SW24 न्यूज के लिए खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन में गर्ल्स कॉलेज की BSc फर्स्ट ईयर की 300 में से 270 छात्राएं फेल हो गई हैं। उन्हें प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में 1 और 2 नंबर आए हैं। छात्राओं के थोक बंद फेल होने पर गुस्साई छात्राएं DM दफ्तर पहुंची। प्राचार्य ने यूनिवर्सिटी की गलती बताकर हाथ ऊंचे कर लिए हैं। मामला यूनिवर्सिटी के पाले में है। शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन में बड़ी संख्या में छात्राओं के फेल और पूरक में आने से छात्राओं में रोष गहराया। BSc फर्स्ट ईयर परीक्षा देने वाली 300 छात्राओं में से 270 छात्राएं प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में फेल हो गई। केवल 30 छात्राएं ही पास हुई, अन्य सभी छात्राओं को 2 से 5 नंबर आए। इतने बड़े पैमाने पर छात्राओं के एक साथ फेल होने से गुस्साई छात्राएं DM दफ्तर पहुंच गई। यहां डिप्टी कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुनाई। छात्राओं ने उत्तर पुस्तिकाएं पुनः जांचने की मांग की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। फ्योन अच्छे से चेक नहीं करी है और सबको बोटनी जूलॉजी में ही एटिकेटी दी है और पढ़े भी यहाँ जूलॉजी के लेक्चर ही नहीं लगते थे और बैठने की समस्या भी थी। सब हम बाहर बैठ के ये करते थे, लेक्चर लगाते थे सब लड़कियाँ खड़े खड़े। एकदम से 270 लड़कियाँ फेल हो गई पूरे प्रदेश में? काफी नहीं अच्छी चेक हुई ना बोटनी जूलॉजी की, हमको ऐसा लगता नहीं था कि हम बोटनी जूलॉजी में फेल होंगे। तो क्या मांग कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमें हमारी काफी अच्छे से चेक हो और हमें पास किया जाए, कुछ भी निर्णय ले जल्द से जल्द। हम कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, वहाँ बोला। कॉलेज प्रबंधन क्या कह रहा है? कॉलेज प्रबंधन कह रहा है हाँ हमने दे दिया और क्या, हाँ कुलपति को। ये विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, उन्हीं के द्वारा जो है परीक्षा की कॉपी भी जचवाई जाती है। ये ऐसा रिजल्ट क्यों विश्वविद्यालय द्वारा घोषित हुआ, ये सब जब लड़कियों के द्वारा अपनी कंप्लेन विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी और उसके बाद समग्र रूप से कॉपियों का फिर से मूल्यांकन होगा तभी पता चलेगा कि सही रूप से मूल्यांकन हुआ कि नहीं। मुख्य रूप से सर बच्चों के लिए कारण ये है कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, प्रोफेसर नहीं है। नहीं नहीं, प्रोफेसर तो सभी रेगुलर है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई होती है, मतलब क्योंकि इसके पहले भी तो रिजल्ट घोषित हुए और 100% रिजल्ट कन्या महाविद्यालय का वो। इससे कभी पूर्व सर कभी इस तादाद में बच्चा फेल हुई नहीं है? अपने इस महाविद्यालय में तो इस प्रकार का कोई प्रकरण अभी तक सामने नहीं आया, परंतु जब जब भी परीक्षा का रिजल्ट विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जाता है तो अन्य महाविद्यालयों से जरूर इस प्रकार की मतलब थोक में मतलब विद्यार्थियों की फेल होने की स्थिति सामने आई है।
सर इस टाइम का पिछले टाइम का एक करंट उदाहरण है, मतलब जो है मल्लेश्वर का कन्या उमिया महाविद्यालय का, वहाँ पर लड़कियाँ मतलब जो थोक में फेल हुई थी, तो वो सब के सब अपनी समस्या को लेकर विश्वविद्यालय जब गई थी और जब उनकी कॉपी को फिर से जचवाया गया तो उसका असर यह पड़ा कि बहुत सारी लड़कियां बाद में पास हुई। सर इसमें देखा गया है कि दो ही सब्जेक्ट में लड़कियां ज़्यादा फेल हुई है, क्या कारण है सर उसका? नहीं, इसका कारण तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि क्यों दो सब्जेक्टों में फेल हुई, मतलब ये तो विश्वविद्यालय के द्वारा जो है कॉपी जारी किया जाती है और उनके द्वारा रिजल्ट घोषित किया जाता है, इसमें कहाँ पर कहाँ मिस्टेक हुई ये तो जांच का विषय है। आपकी तरफ से विश्वविद्यालय को लिखा जाएगा क्या बच्चों को? हमारे द्वारा बिल्कुल छात्रों के हित में मतलब जो है ये बात आगे बढ़ाई जाएगी और विश्वविद्यालय को कहा जाएगा कि फिर से इनकी मतलब जो है मूल्यांकन उनकी कॉपी का किया जाए। सर इतने बड़े स्तर पे जो छात्राएं फेल हुई है, कहीं ना कहीं इनके जीवन के साथ में खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? नहीं, जहाँ तक है तो उनको अभी चांस है, मौका है, मतलब एकदम से जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय। ये सुनवाई कब तक हो जाएगी? सेकंड सेमेस्टर चालू हो गया पढ़ेगा नुकसान? कोशिश हम कर रहे हैं मतलब कि इसी माह मतलब जो है ये समस्या का निदान हो जाए। मतलब सर कहीं ना कहीं लगता है कि अन्याय तो हुआ है बच्चों के साथ? नहीं, अन्याय मैं नहीं कह सकता कि अन्याय, ये तो पुनः कॉपी जितने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि बच्चियों ने उसमें रियल मतलब सही उत्तर लिखा था कि गलत उत्तर लिखा था, ये फिर से जाँच यदि होती है कॉपियों की तो वो वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी। क्या नाम लिखा सर? डॉक्टर एम के गोखले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिला महेश्वर से आयुष एवं सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो एवं समाज सेवी भाई देवेंद्र साधो ने खेड़ापति चा राजा की आरती की। खेड़ापति के राजा को 111 भोग लगाया। आरती के पश्चात खेड़ापति का भव्य चल समारोह निकाला, जिसमें ढोल ताशे डीजे घोड़ा चलित झांकी बुरहानपुर के 20 ढोल शामिल हुए। चल समारोह भवानी माता मंदिर से होता हुआ शीतला माता मार्केट से बाजार चौक होते हुए सीधे पेशवा घाट पहुंचा, जहां पर सब ने नमी आंखों से गणपति बप्पा को विदाई दी। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी मंडल खिलचीपुर के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक मोहन शर्मा नारायण सिंह पवार के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल वितरित कर मोदी की दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मोदी सरकार द्वारा लागू की गई जनहितकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मोदी जी ने भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 20 सितंबर को खिलचीपुर में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मोदी जी के प्रशंसक रक्तदान करेंगे। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में धूमधाम से मनाई भगवान विश्वकर्मा की जयंती। ढोल धमाकों की धुन पर निकाली शोभा यात्रा। नहरदा मंदिर से पूजा अर्चना कर भगवान विश्वकर्मा का चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो भगवान विश्वकर्मा मंदिर पहुंचा। विश्वकर्मा समाज के तत्वाधान में समाज के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस दौरान नहरदा मंदिर से भगवान विश्वकर्मा की झांकी सजाई गई। झंडा निशान शोभा यात्रा, ढोल धमाकों की धुन पर भव्य शोभा यात्रा जुलूस शुरू किया गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नहरदा मंदिर स्थित पहुंचा। इस दौरान रास्ते भर जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया, पूजा अर्चना की गई। वहीं समाज जनों सहित नगर वासियों के द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। उसके बाद भंडारे में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं और समाज बंधुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। विश्वकर्मा समाज सहित पुरुष, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर नगर परिषद के फिल्टर प्लांट में सफाई के दौरान करंट फैल जाने से मौके पर मौजूद 7 कर्मचारियों को करंट लग गया, जिसमें जेकी नाम के एक अस्थायी कर्मचारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। विजय और मुकेश नाम के 2 कर्मचारियों को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया, बाकी लोगों का मंडलेश्वर में ही उपचार किया जा रहा है। मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के नर्मदा किनारे फिल्टर प्लांट पर यह घटना हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मन्नूपुरा निवासी दीवान सिंह पत्नी प्रभा सिंह की पहली डिलीवरी हुई थी, जिसमें उसे शुरुआत में ही 1400 रुपये का लाभ दिया जाता है। वह भी नहीं मिला एवं सरकार से संबल योजना कार्ड धारियों के लिए 16000 की राशि दी जाती है। प्रसूति सहायता राशि आवेदक के द्वारा 4 बार कागज जमा करने के बाद भी नहीं मिली। उल्टा संविदा कर्मचारी सुनील रघुवंशी ने दी आवेदक को FIR करने की धमकी। एक दर्जन से अधिक शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि कई सालों से तो कई महीनों से कई चक्कर लगा चुके हैं, मगर हमारे परिवार में हुई डिलीवरी का भुगतान नहीं हो पा रहा। दूसरा केस ग्राम पंचायत कांजेला के आवेदक का है। सुनील कुशवाहा ने बताया कि 3 माह से मैं भी अपने 16000 की राशि के लिए 4 बार चक्कर लगा चुका, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। इस प्रकार से संविदा कर्मचारी सुनील रघुवंशी के द्वारा आवेदकों को भटकाया जा रहा है और उनकी राशि डालने में आनाकानी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भुगतान ना करने का इरादा इस ओर इशारा कर रहा है कि बिना लेन देन के कोई काम नहीं किया जाता। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। नहीं तो राय से सरकार से आप बात कर सकते, समझाओ ना क्या परेशानी है, उसे क्या पता है। आप उसमें कुछ कहा नहीं, उसमें डाला तुमने, मैंने कोई गुमराह नहीं किया। आप गुमराह करती हूँ, क्या गुमराह कर दिया? मेरे पास 4 महीने हो गए, पहली डिलीवरी है, पैसा क्यों नहीं मिला? मेरे पास उनका खुद का लिखा हुआ 2018 डिलीवरी लिख रहे हैं। अरे तुमको नहीं आता, सुधरवाना। मेरे पास जब आएंगे जब तो सुधरवाऊंगा। तुमसे कितनी बार आ चुके थे? हम 4 बार दे चुके थे। अच्छा ये 8 दिन में करवा दो आप, नहीं 8 दिन बाद 2 दिन में हो जाए। नहीं ये नहीं, वो 26 कितना है, 16 वाला कितना वाला था। मेरा जो वजह है कि
अरे योजना की जैसे कोई काम आपने गलत लिख के दिया ना साहब, आपके सामने पे कौन सा मैं फॉर्म मुझे बताना था ना, आपको मैंने नहीं करे मेरे पास तुम्हें बताओ कार्ड कौन बटा गलती मैडम की है मैडम की गलती यार हृदयराई को फालतू में और मेरे पास प्रकरण ही नहीं आया ना, मेरे पास आ रहा है तो 2018 लिख के आ रहा है ना डेट, कैसे पास हो जाएगा वो एक अकेले ये की कार्ड है, मैंने बताया ना रिजेक्ट लिस्ट में पड़ा हुआ था आवेदन अरे जहाँ पे फॉर्म जमा किया था दो तीन बार फिर भी चुके मगर कोई जानकारी नहीं मिल रही। आपने आप जो डिलीवरी हुई थी उसके पैसों के लिए आवेदन करने आए थे, कितनी बार जमा कर चुके कागज? कागज पे कई बार कर दिया मगर दो तीन बार हम चक्कर लग गया दो तीन बार। उनका क्या कहना है जो पैसे यहाँ पे डालते? कुछ कहते ही नहीं, कुछ नहीं कहते, जानकारी नहीं बताते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के कसरावर क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। बड़ी नुकसानी के बाद भी खराब फसलों का सर्वे नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के लाभ पाने के लिए कसरावर क्षेत्र के एक दर्जन गांव के 90% किसान खराब कपास के पौधे लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार विवेक सोनकर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कसरावर तहसील के ग्राम मुल्ठान, खामखेड़ा, पिपल गोन, बोरावा, अमलाथा सहित एक दर्जन गांव के सैकड़ों किसान खराब फसलों के पौधे लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे। किसानों ने बताया कि पिछले दिनों लगातार बारिश हुई थी, कपास के पौधे पर थोड़ा फल लगा था लेकिन बारिश के चलते वह भी खराब हो गया, जिससे अब उत्पादन मिलना नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में किसानों को खाद, बीज, दवाई व मजदूरी का खर्च मिलना भी मुश्किल हो रहा है। किसानों ने बताया कि उन्होंने फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा करवा रखा है और कपास बीमा क्लेम तहसील इकाई के आधार पर मान्य है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों का सर्वे नहीं हो पा रहा है। किसानों की मांग है कि खराब फसलों का सर्वे कर किसानों को 100% नुकसानी मानकर अधिक से अधिक बीमा राशि दिलाई जाए। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। ये हमारे पूरे तहसील कसरावत की कपास फसल पूरी खराब हो चुकी है, उसके सर्वे बीमा या मुआवजे के लिए हम आज तहसीलदार महोदय के आए थे और करीबन पूरी तहसील के किसान थे। कहाँ तक के खराब हो गई है? अरे 95% पूरी खराब है। कपास फसल खराब हुई है? सारी कपास सारी फसलें खराब हुई है, पर यहाँ 95% कपास की खेती होती है। जो किसान यहाँ पर आए हैं क्या मांगे आपकी? क्षेत्र में जो पूरी तहसील में हमारी वर्तमान में लगातार बारिश होने से कपास की फसल पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, हम किसानों का लागत खर्चे भी निकलना मुश्किल है। तो हम शासन से मांग करने आए कि या तो हमें बीमे का लाभ दिया जाए या फिर शासन अपने स्तर से हम किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दे ताकि हम किसान इस संकट की घड़ी से उबर सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन युवा मोर्चा उपाध्यक्ष ने गरीब परिवार के बच्चों को पाठ्य सामग्री व फल वितरण कर सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लाखन सिंह नवासा ने भी फिजूल खर्ची छोड़ सेवा दिवस मनाने का संकल्प इंदौर विधायक आकाश विजय वर्गीय के जन्मदिन पर लिया था। मोदी जी के जन्मदिन पर संत डॉक्टर भैयू जी महाराज की प्रेरणा से एवं श्री सद्गुरु दत्त धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट सचिव द्वारा
आयुषी देशमुख के सहयोग से गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से निशुल्क संचालित सूर्योदय धरती पुत्र ज्ञान प्रबोधिनी स्कूल तोरनोद में पाठ्य सामग्री वितरण फल व मिठाई खिलाकर जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही स्वच्छता अभियान कर स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर स्कूल समिति अध्यक्ष संजय शर्मा, सचिव विकास शर्मा, स्कूल प्राचार्य श्रीमती रविता तिवारी, रामदयाल यादव, राधेश्याम निगम, भरत दशरथ यादव, शुभम कलोड़िया, गोपाल फुलकुवर मालीवाड़ सहित अनेक लोग उपस्थित थे। धार से राजेंद्र बघेल की रिपोर्ट। आज 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हमने पूरी टीम ने धरती पुत्र ज्ञान प्रबोधनी स्कूल तोरनोद में गरीब बच्चों के बीच में जाकर सेवा के रूप में माननीय मोदी जी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर बच्चों के साथ पुस्तक सामग्री, फल वितरण, मिठाई एवं वृक्षारोपण और स्वच्छता कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की लंबी उम्र की कामना की। और इस अवसर पर स्कूल परिसर में स्टाफ एवं मेरे युवा साथियों के साथ मिलकर देश के महान यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। मैं लाखन सिंह नवासा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा धार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।